हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूँ। वर्ग 3 की आपकी प्रिपरेशन चल रही है, उससे जुड़े जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। दोस्तों, आज का एक सवाल है कि सर, हमारा जो गणित है वो कमज़ोर है। बहुत से भाई बहन अक्सर सवाल करते हैं कि सर, मैथमेटिक्स जो है हमारा वीक है, तो उसे कैसे स्ट्रॉन्ग करें। पहले हमें यह देखना होगा कि वर्ग 3 में जो है मैथ कहाँ तक आ सकता है। क्या मैथ वाकई में कठिन आएगा? मैथ कितने नंबर का आएगा? बहरहाल, आपके वर्ग 3 के पाठ्यक्रम के अनुसार मैथ का जो पोर्शन होगा वो 30 नंबर का आएगा। इसमें से आपका जो 15 नंबर का होगा वो मैथ आएगा और 15 नंबर मैथ से रिलेटेड शिक्षा शास्त्र आएगा। तो मींस मैथ से रिलेटेड शिक्षा शास्त्र 15 नंबर का, तो उसकी तो आप तैयारी कर ही रहे हैं। अब बचे आपके 15 नंबर, जिसमें आपको ये रहता है कि सर, मैथ हमारा वीक है और हमें मैथ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अपने थॉट्स को एक तरह से आपको पकड़ना होगा। आप जब बार बार ये दोहराते रहते हैं कि मैथ हमारा कमजोर है, मैथ हमारा कमजोर है, तो मैथ आपको आ भी रहा हो तब भी नहीं आएगा। ये आपके मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। आपने तो बीएड किया है, डीएड, डीएलएड किया है, तो आप स्वयं जानते हैं कि किसी भी बच्चे के सामने यदि आप बार बार ये कहोगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तो वो करने वाला भी हो कुछ अपनी लाइफ में तब भी नहीं कर पाएगा। यही आप अपने माइंड के साथ कर रहे हो, बार बार ये दोहरा रहे हो, मैथ हमारा वीक है, गणित हमारा कमजोर है, तो कुछ आ भी रहा है तब भी आपको नहीं आता है। तो पहले तो ये थिंकिंग आपको छोड़नी होगी कि मैथ आपका वीक है। सेकेंड बात, 10th क्लास तक सभी मैथ पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि 10th के बाद आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं कि कोई मैथ में जाता है, कोई बायो में जाता है, कोई आर्ट्स में जाता है, कोई और सब्जेक्ट लेता है, एग्रीकल्चर लेता है, तो मैथ मींस आप 10th से छोड़ देते हो ये मानते हैं। लेकिन 10th क्लास तक का मैथ सभी ने पढ़ा होता है। किसी ने अच्छे से पढ़ा होता है, और किसी का ये होता है कि भैया पास हो गए वही काफी है, लेकिन मैथ तो सभी को आता है। इसके बाद मैथमेटिक्स का आप बेसिक देखेंगे तो चार चीजों पर डिपेंड होता है पूरा मैथ। इन चार चीजें आपको आती हैं, प्लस, माइनस, भाग और गुणा। ये चारों चीजें हर किसी को आती हैं, क्योंकि जब आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो ये चीजें तो आपको आती ही हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, ये सबसे बड़ा हमारे पास एक सवाल आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैथ आएगा वो आपका बेसिक आएगा, बहुत सरल मैथ आएगा, कोई कठिन मैथ नहीं आना। सरल मैथ मीन्स आपका 6th से लेके 8th क्लास तक का, यहाँ पे ये सरल मैथ माना जाता है। 9th और 10th का जो मैथ होता है वो थोड़ा 8th से कठिन होता चला जाता है, लेकिन आपके 6th क्लास से लेके और आपके 8th क्लास तक का मैथ बहुत ईजी और बहुत सरल होता है। यदि आपने इसकी एनसीईआरटी की जो बुक्स देखी होंगी तो आप स्वयं समझ जाएंगे दोस्तों। तो इन्हीं बुक्स का आपको अध्ययन करना है। अब आप कहोगे कि हमारा तो जो है भाग हो, गुणा हो, प्लस हो, माइनस हो, वो भी वीक है, तो 5th क्लास का मैथ पढ़े, वो वहीं से स्टार्ट होता है। उसमें स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि आप प्लस कैसे कर सकते हो, माइनस कैसे कर सकते हो, भाग कैसे दे सकते हो, गुणा कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये शुरू में ही उसमें बताया जाता है, और इस हिसाब से बताया जाता है कि आप भिन्न में जो है प्लस माइनस कैसे किए जाते हैं, तो ये भी उसमें अच्छे से सिखाया जाता है। यहाँ पर दो पार्ट में जो है आपका मैथ डिवाइड किया गया, अंक गणित और रेखा गणित। तो 5th का यदि आप देखोगे तो अंक गणित और रेखा गणित इतना इजी है दोस्तों कि आपने यदि मैथ पर ध्यान भी नहीं दिया तब भी आपका मैथ स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब यहाँ पर ये कोई सवाल उठता है कि टाइम ही नहीं है इतना, टाइम कहाँ पर है, जनवरी में एग्जाम है और नवंबर में यदि हम 5th क्लास का, 6th क्लास का, 7th और 8th का मैथ पढ़ने बैठेंगे तो पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। तो ये भी आपकी एक गलत फहमी है दोस्तों, इसे भी आप दूर कर लें। यदि डेली आप 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे मैथ को देते हैं, यानी कि 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे आप मैथ को देते हैं, उसमें आप 6th क्लास, 7th और 8th को अच्छे से पढ़ते हैं, यानी कि 2 घंटे मैथ कर ही रहे हैं, तो आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा और इसी से आपका काम चल जाएगा।
क्योंकि 15 नंबर का मैथ आना है, कोई ज्यादा तो आना नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100 नंबर का मैथ ही होना है आपका, ऐसा नहीं है। 15 नंबर का मैथ आना है, उसमें से मान लो कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो रिवीजन किया है, उसमें से 6-7 नंबर का, 8 नंबर का आपका आ गया, जो आपको मालूम है कि करेक्ट ये सही है। 8 नंबर तक का तो आपका बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद यदि आप गैस वर्क भी करोगे, यदि तुक्का भी लगाओगे, जैसे कहते हैं इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो माइनस मार्किंग नहीं है तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि हर एक जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मान लो कि आपके 8 नंबर या 9 नंबर का मैथ सही हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपने और बाकी के जो क्वेश्चन बचे उन पर तुक्का मारा, तो उसमें से भी 2-3 नंबर का सही हो गया। तो कितना हो गया, 8 का आप पहले सही कर गए, 3 नंबर का फिर आपके सही हो गया, तो टोटल आपका 11 नंबर हो गया। 11 नंबर मीन मैथ के 15 नंबर में से आपने 11 नंबर प्राप्त कर लिए, तो ये काफी अच्छा स्कोर होता है दोस्तों। और इसके अलावा फिर आप जो इसकी कमी है, इसमें जो नंबर प्राप्त नहीं कर पाए, वो और जो इसमें विषय हैं उनसे कर सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज हो गए, पर्यावरण हो गए, आपकी जो बाल विकास हो गया, और हर एक सब्जेक्ट का शिक्षा शास्त्र है तो उसका हो गया, तो उससे आप कवर अप कर लोगे। तो अपने मन से ये डर पहले तो निकालना है हमें कि मैथ नहीं आता। मैथ आपको आता है, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं की है, तो एक अलग चीज हो जाती है। हर इंसान प्रैक्टिस से ही तो सीखता है। तो यदि आप अभी से 6th क्लास का मैथ पढ़ें, 5th क्लास का मैथ बहुत बेसिक मैथ है, तो मैं तो ये कहूंगा कि जिन्हें बिल्कुल नहीं आता वो ही जाएं 5th क्लास पर, नहीं तो 5th क्लास का मैथ ना पढ़ें, क्योंकि उसमें एक तो आपका टाइम ही होगा खराब होगा 5th क्लास की मैथ में। यदि बेसिक भी नहीं आता है तो 5th पे जाएं। बेसिक आपका स्ट्रांग है कि भैया हमें सब आता है, डिवाइड आता है, मल्टीप्लाई आता है, प्लस माइनस सब कुछ आता है, तो फिर आप 6th क्लास से मैथमेटिक्स से शुरुआत करें दोस्तों। और 6, 7, 8 आपका 1-1.5 घंटे या 2 घंटे आप डेली उसे देंगे ना, तो उसमें स्ट्रांग हो जाएगा। और 8 से ऊपर आपका मैथ जाना नहीं है। हालांकि कहा यह गया कि जो कठिन स्तर होगा वो 10th क्लास तक का आएगा, लेकिन मैथ जो है आपका 8 से ऊपर नहीं जाना है दोस्तों। 8 तक का मैथ कर लिया, समझो 15 नंबर में से आपने करीबन 10-11 नंबर पक्के कर लिए, और बाकी के जो नंबर हैं यदि वो छूट भी जाए तो और सब्जेक्ट भी है। क्योंकि हर एक इंसान, यदि कोई मान लो MSc किए हुए है मैथ में, उसके लिए मैथ खेल है, तो हो सकता है वो दूसरे सब्जेक्ट में स्कोर ना कर पाए, हो सकता है उसका बाल विकास कमजोर हो, पर्यावरण कमजोर हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि सबकी सब चीजें स्ट्रांग होती हैं। किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी का बाल विकास अच्छा होता है, किसी का पर्यावरण अच्छा होता है, किसी का फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज होती है, लेकिन ओवरऑल सबका सब कुछ अच्छा हो ऐसा कुछ नहीं होता। सबको कहीं ना कहीं कमी होती है, उससे वो दूर करने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। तो यहां पर आज मैं एक बात समाप्त करूं तो आपको 3 चीजों पर ध्यान रखना है। पहला तो ये कि कभी भी मत सोचो कि हमारा मैथ कमजोर है, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, मैथ आपका आता है, मैथ आपका अच्छा है। सेकेंड ये है, बेसिक जो होता है उससे स्टार्ट करो। बेसिक आपको मिल जाएगा 6th क्लास की बुक से, 7th की 8th से, इन्हें आप कंप्लीट कर लिया, मैथ आपका क्लियर हो गया। मैथ के 2 रूप होते हैं आपको मालूम है, अंकगणित और रेखागणित, दोनों पर ही फोकस करना है। और समय अभी है आपके पास, सिर्फ 1-1.5 घंटे 2 घंटे दोगे उसमें काफी मैथ आपका अच्छा हो जाएगा दोस्तों। तो इन चीजों को यदि आप फॉलो करते हो तो मैथ से घबराने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 15 नंबर का मैथ आना है, उसमें से आराम से यदि आप ये फॉलो करते हो जो मैंने आज बताया है, तो 10-12 नंबर आराम से ले आओगे। और 15 में से यदि 10-12 नंबर आपके आ गए तो मैथ तो आपका क्लियर हो गया, बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों, तो अपने मन से पहले डर हटा दें मैथ का, और मैथ का प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे जाएंगे। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।